भाई एजाज खान और पवित्रा का ट्रू लव देखना है आपको। मैं नहीं बोल रही हूँ ये, एजाज खान खुद अपने ट्रू लव को ट्रू लव बोल रहे हैं और पवित्रा पुनिया से ये मांग कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई एजाज खान को पवित्रा के हाथ का खाना बहुत पसंद है, ये चीज हम लोग कब देख चुके थे, बिग बॉस सीजन 14 में। बिग बॉस सीजन 14 में एजाज खान और पवित्रा करीब आए थे, तो उसका एक कारण जो था वो ये भी था कि पवित्रा के हाथ के खाने को खाकर एजाज खान उनके दीवाने हो गए थे। दूसरा कारण कहें तो भाई जिस तरीके की लड़की पवित्रा है, खाना बनाती है, सभी का ख्याल रखती है, बोल्ड एंड ब्यूटिफुल भी है, काम भी करती है, एजाज को जो है इस तरह की लड़की बहुत पसंद है और उनका पवित्रा पर इंस्टेंटली दिल आ गया था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि आप मेरी मम्मी जैसी दिखती हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से पवित्रा के दीवाने हुए थे एजाज खान। अब एजाज खान जो है घर के बाहर आ चुके हैं बिग बॉस सीजन 14 के, पवित्रा भी घर के बाहर आ चुकी है, सीजन भी खत्म हो चुका है, तो पवित्रा तो कभी भी कुक कर सकती हैं एजाज खान के लिए। और एजाज खान सुना रहे हैं अपनी फरमाइश कि भाई जब भी आप लेकर आए या जब भी घर पर आए तो अपने हाथ के बने हुए गलौटी कबाब जरूर लेकर आए। जी हाँ, गलौटी कबाब की फरमाइश लगा दी है एजाज खान ने पवित्रा पुनिया से, और पवित्रा जो है इस बात पर स्माइल करते हुए नहीं रुक रही थी। ऑब्वियसली लाइव पर थी पवित्रा पुनिया, ऐसा नहीं था कि पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, शी वॉज गोइंग लाइव एंड शी वॉज इंटरेक्टिंग विद हर फैंस। जब एजाज खान ने लाइव कमेंट बॉक्स में ही ये फरमाइश जाहिर की तो वो ब्लश भी करने लगी, स्माइल भी करने लगी, एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और उनकी फरमाइश यानी कि एजाज खान की फरमाइश और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, इनका रिश्ता बहुत प्यारा लग रहा था ये चीज देखते हुए। और हम कहेंगे इसी तरीके से ये दोनों हमेशा साथ रहें, एक दूसरे को जो है खुश करते रहें और इसी तरीके से इनके प्यार को नए मुकाम मिलते रहें। क्या कहना चाहेंगे पविजास के बारे में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।